वॉलंटरी ब्लड डोनर एसोसिएशन के द्वारा हजारीबाग मेडिकल कॉलेज के सहयोग से हजारीबाग के झंडा चौक सुमेर स्टोर के पास रंगों के त्योहार होली के पर्व पूर्व संध्या पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ एसोसिएशन के अध्यक्ष निर्मल जैन के द्वारा 84वां बार रक्तदान करके किया गया। तत्पश्चात एसोसिएशन के सह कोषाध्यक्ष सैयद समी उर रहमान, राजा कुमार, दिलीप कुमार, जैन नीरज जैन, राजेश कुमार जैन, उत्कर्ष गुप्ता, मोहित गुप्ता, संजीव जैन, प्रिंस गुप्ता, रौनक जैन, संजय कुमार मेहता, राहुल अग्रवाल, विनोद ठाकुर, अनिल कुमार अग्रवाल, रजत जैन, राहुल कुमार गुप्ता, जितेंद्र सिन्हा आदि 31 लोगों ने लोगों को रक्तदान कर मानवता का परिचय दिया। रक्तदान के पश्चात समस्त रक्तदाताओं को उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए एसोसिएशन के अध्यक्ष निर्मल जैन और महासचिव विनीत छाबड़ा के द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। लोगों के बीच रक्तदान के प्रति जागरूकता के लिए यह कैंप झंडा चौक के पास लगाया गया, जिससे अधिक से अधिक लोग कैंप लगाने के लिए तैयार हो सके। हजारीबाग से प्रमोद खंडेलवाल की रिपोर्ट। क्या कुछ कार्यक्रम का आयोजन किया गया? आज ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। वॉलंटरी ब्लड डोनर एसोसिएशन की ओर से ये कैंप होली के पहले लगाया जा रहा है, क्योंकि अभी लोग व्यस्त रहते इसलिए नहीं दे सक रहे हैं, इसलिए ये कैंप लगाना जरूरी था। और होली के बाद में भी लोगों ने स्पष्ट किया कि बहुत तरह का कैंप लगेंगे। क्योंकि आज के इस शिविर में आपने खुद स्वयं रक्तदान किया है, कितनी बार दिया आपने? ये मेरा 84वां बार रक्तदान है और होल ब्लड दिया, जो भी 84 बार में दिया होल ब्लड दिया। क्या परिचय हुआ? निर्मल जैन, अध्यक्ष ब्लड डोनर एसोसिएशन।